ना वनल कदा होवे सीव पला शाह सवारी बिच आई पे दो आज दोस्तों कुलखानी प्रोग्राम है हमारे गांव के अंदर। अपना जो मेरे बाबा जान और चचा जान के मामू थे वो फौत हुए थे, आज कुलखानी का अहतमाम किया गया। यहां पर सारा निज़ाम होगा, कुछ हाफिज़ साहबान भी आ चुके हैं। ये सामने कुरान खानी होगी, बाकी खैरात प्रोग्राम होगा, कैसा माहौल होता है आपको दिखाएंगे। गांव के अंदर मिलजुल कर कैसे सब काम करते हैं, यहाँ पर ये सारे आए हुए हैं, ये भी काम कर रहे हैं। तो पीने का साफ पानी और मीठा पानी एक ड्रम भर लिया गया है, ये अभी नीचे उतारना है। तो 9:30 का टाइम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बंदे आने शुरू हो गए हैं। निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अच्छा चल रहा है। अब भी अपना खैरात तकसीम हो रही है, सामने की जानब दस्तार बंदी हो रही है जो कि हमारे गांव का रिवाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खरीद मुकम्मल हो चुकी है, तो आखिरी दुआ थी, अब सब लोग लौटेंगे मुकलावे के बाद, हर कोई अपने कामकार को निकलेगा। दोस्तों सुबह सवेरे उठा, नमाज अदा की और नाश्ता वगैरह नहीं किया, हाथ मुंह धोए और चला गया, क्योंकि कुलखानी का दिन था। मेरे बाबा के मामू जान हैं, उनके इसाले सवाब के लिए कुलखानी थी। तो गांव की एक रीत रिवाज होती है कि सब मिलकर एक दूसरे के काम करते हैं, खुशी हो गमी हो सब की यहां पर सांझी होती है, जिस वजह से थोड़ा डिफरेंट
माहौल हो जाता है शहर से गांव का। गांव इस वजह से थोड़ा अलग इसकी पहचान होती है, इनके लोगों की, काम काज करने के तरीके की, दुख की सुख की, ये सब साझे हो जाते हैं। तो वहाँ पर गया, काम वगैरह करवाए और दोबारा लौट कर आया। तकरीबन टाइम था, क्योंकि सुबह सवेरे मैं निकला 9:30 बजे का टाइम था, जिस वजह से 1-2 घंटा में पहले गया ताकि वहाँ पर कोई हेल्प कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोग्राम बेहतरीन हो गया। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर कैसा माहौल होता है, कैसी रीत होती है, और दस्तार बंदी वगैरह होती है, और गांव की कुलखानी वगैरह, और कैसे हम सारा निज़ाम मैनेज करते हैं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आया होगा। जो दोस्त मेरे चैनल काशिफ रूटीन पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा दे ताकि उसे लेटेस्ट व्लॉग्स मिलते रहें। तो अभी अपने भाई को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले ताज़े नए और फ्रेश व्लॉग में। तब तक दुआओं में रखिएगा याद।